तुम पहले मुझे बताओ, ये जो मिल्कशेक लेकर आई थी इसमें क्या मिला था? चलो जो भी था अब तो फेल हो गया। रोगी क्या? अब डबल रो लेना मेरे लौटने के गम में, है ना? एक्चुअली आइडिया तो तुम्हारा ही था ना, तुम्हें याद नहीं तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी असली जगह में रहना चाहिए? तो ये है ना मेरी असली जगह, मेरा ससुराल, मेरा घर, जहां मैं आ गई वापस कभी न जाने के लिए। मुझे तो लगता है ये अब तक कफ सिरप के नशे में है। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? बार बार दुत्कारे जाने पर भी वापस आ जाती हो, बिल्कुल अपनी आई की तरह। करेक्ट, मैं बिल्कुल अपनी आई जैसी थी, लेकिन अब चीजें बदल गई। अब मैं ना तुम्हारे जैसे हो गई हूँ सौतेली मम्मी। मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। अरे खुद ही तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी हक चाहिए तुम्हें, चाहती थी कि मैं और हर्षा तुम्हें आई बोले। अब क्या हो गया? अमृता बंद करो अपना ये नाटक। अपने आप बाहर जाओगी या पुलिस को बुलाओ? आप पुलिस को बुला लीजिए, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी ना, ये जाएगी। पुलिस को आप बुला लीजिए, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? क्योंकि वो आएंगे तो अरेस्ट विराट सर को करेंगे ना। आप भूल गए क्या, इन्होंने जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर ली थी ना, जबकि इनका डिवोर्स ही नहीं हुआ। और प्रूफ तो ये प्रियंका खुद लेकर आई है ना। अब वो जेल लेकर जाए विराट सर को, मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा? सीधी बैंकर, तुम मुझे जेल भेजना चाहती हो? देखा देखा बेबी, तुम इस लड़की के लिए मुझसे लड़ते थे ना, यही तुम्हें जेल भेजने का प्लानिंग कर रही है। अरे मैं धमकी कहाँ दे रही हूँ, मैं तो खुद धमकियों से थक गई हूँ, इसलिए बात सेटल कर रही हूँ। मैम आप पुलिस बुला लीजिए, पर आप लोग भी तैयार हो जाइए ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आपका और दिलदार सर का नाम तो आएगा ना कंप्लेंट में। क्या हो गया तुम? जी क्या हो गया? पुलिस कुछ गलत बोल रही हूँ मैं? देखिए आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की ना मेरे मर्जी के बगैर, तो पुलिस आएगी तो जेल कौन जाएगा, मैं या आप और आपका परिवार? क्या हो गया मैम? पुलिस वो नहीं, नहीं आप सोच समझ के फैसला कर लीजिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और आप तो जानती है ना मुझे, बहुत एडजस्टिंग, बहुत आज्ञाकारी हूँ मैं, जो फैसला आप करेंगी मुझे मंजूर है। अभी क्या ना, ये सूटकेस इधर से उधर करते करते ना मैं बहुत थक गई, थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा ना, मैं सेटल हो जाती हूँ फिर हम आराम से बातें करेंगे। विराट सर मेरे पति, तुम्हारे एक और चोट। निम्मी को हर दिन एक नई चोट लग जाती है,
ये कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही? देखा अमृता का असली चेहरा। बहुत ढीठ है ये लड़की, इतनी आसानी से यहां से नहीं जाने वाली। क्या है तुम मुझे अरेस्ट करवाना चाहती हो? अभी इतना ड्रामा किया वापस? ये मुंडी क्या हिला रही हो? इतना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए और तुम? मैं क्या गलत कर रही हूँ? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ जो आपने नहीं किया? आपने मुझे जेल भेजा। हाँ, मुझे जेल तो भेजा ना। हर छोटी छोटी बात पे पुलिस बुला लेते हैं। वो आपके लिए बड़ी बात होती ना, मेरे लिए भी ये बड़ी बात है। ये जबरदस्ती की शादी बड़ी बात है ना मेरे लिए? हाँ, ऐसे भोले बनने की जरूरत नहीं है। जितने भोले बन रहे हो उतने भोले आप है नहीं, मैं जानती हूँ। बन रहा हूँ सीरियसली। अभी कुछ घंटे पहले जान बचाई है मैंने तुम्हारी। 24 घंटे का वेट तो कर लेती मुझे एक्यूज करने से पहले, मुझे धमकियां देने से पहले। नहीं नहीं, अपनों तो ऐसा ही है, कभी खुशी कभी गम। गम नहीं, गुस्सा आता है ना आपको? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से में आके कुछ भी कर लेते हैं, कोई भी फैसला ले लेते हैं। हाँ, फिर देखते नहीं सामने वाले की मर्जी है या नहीं है। ओके फाइन, आता है गुस्सा और तुम घूमना बंद करोगी? क्यों, गर्दन न कर रही है आपकी? मैं तो घूमूंगी। कम ऑन बैक। कुछ घंटे पहले हालत खराब थी तुम्हारी, जान निकल रही थी और तुम्हें देख के मैं इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम ऐसे बात कर रही हो मुझसे?